शौक के तौर पर आरोपियों से पुलिस ने की पूछताछ। तो आरोपियों ने उगला राज, 8 दिन से लापता अधेड़ की बुधना नदी में मिली लाश। खनिया थाना के अंतर्गत आने वाले एक भरतपुर में रहने वाले युवक की लाश आज बुधना नदी में एक प्लास्टिक के बोरी में मिली है। युवक पिछले 8 दिनों से लापता था। जानकारी के अनुसार खनिया थाना के अंतर्गत आने वाले भरतपुरा नोहरा निवासी बालचंद्र अहिरवार उम्र 40 साल 24 जुलाई से लापता था। परिजनों ने बालचंद्र की अपने स्तर पर तलाश की लेकिन बालचंद्र कहीं नहीं मिला। परिजनों ने बालचंद्र की गुमशुदगी 27 जुलाई को खनिया थाना थाना में दर्ज कराई थी, पर आज बुधना नदी में बालचंद्र की लाश एक प्लास्टिक के बोरे में बंद मिली। परिजनों ने बताया था कि बालचंद्र को जगत सिंह लोधी ने फोन कर पार्टी के लिए बुलाया था। परिजनों ने संदेह व्यक्त किया था कि बालचंद्र की जगत सिंह लोधी उम्र 32 वर्षीय और चारू रजक उम्र 45 साल ने उसकी हत्या कर कहीं फेंक दिया है। खनिया थाना प्रभारी अरविंद सिंह चौहान ने जगत सिंह लोधी और धारू रजक को बुलाकर पूछताछ की, तो पहले तो वह पुलिस को गुमराह करते रहे। जब सख्ती से पूछताछ की तो बताया कि 24 जुलाई की रात में उसका गला रेत कर हत्या कर लाश को बुधना नदी में फेंक दिया है। बताया जा रहा है कि बालचंद्र अहिरवार का शराब का नशा करके उसकी धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी, फिर काली पन्नी में लाश को एक बोरे में बांधकर नया चौराहा और पडरा चौराहे के बीच पड़ने वाले बुधना नदी के पुल से लाश को नदी में फेंक दिया। खनिया थाना पुलिस को 8 दिन बाद नदी से लाश बरामद करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी। लाश को बरामद करने के लिए 24 घंटे से अधिक रेस्क्यू करना पड़ा। फिलहाल खनिया थाना पुलिस को बुधना नदी के गहरे पानी में लाश बरामद हो गई है। ये भी बताया जा रहा है कि मृतक भालचंद्र और आरोपी जगत सिंह लोधी और धारू रजक एक ही गाँव के निवासी हैं। 20 जुलाई को आपस में इनमें विवाद हुआ था, इस कारण बालचंद्र की योजना बनाकर हत्या कर दी। खनिया थाना से संवाददाता शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। आपका मिठू, क्या मामला है पूरा? ये सब मिल गया है। कौन मिल गया? बालचंद्र, हमारा भाई। अच्छा, ये कब से लापता था? ये है 24 तारीख से। फिर आपने गुमशुदगी दर्ज कराई थी थाने में? सब कराई थी। फिर कैसे पता चला ये जो डेड बॉडी मिली है इसकी? ये सब दो आदमी हमारा ने बने रास्ता में मिले, उन्हें थोड़ा पता पड़ा सब ने हमसे कही। जब हम वहाँ से हमने फिर उसकी ढुराई करी सब, कोई पता नहीं पड़ा। फिर इसके बाद वहाँ से फिर जाके हमें सख्ती। किसकी सख्ती? जगत सिंह की। जगत सिंह ने फोन करके भाई बुलाओ है खनिया थाने से, अछवनी तक पहुँच गए, अछवनी से फिर ये नदी तक आ गए। ये बात आपको कैसे कंफर्म हुई कि जगत सिंह ने ही फोन किया उसको? जगत सिंह ने ही कही हमसे, जब फोन करो दिन में बुलाओ वाने। फिर वाने बात करके उतर, चाहे जिनने पी खाई हो चाहे कुछ भी करो हुए, वहाँ से फिर 8 बजे के बाद इनने गोल कर दो, तो कोई पता नहीं है वहाँ से। तो आपने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस प्रशासन ने आपकी मदद की, तब जाके आज लाश मिली है? मिल गई। कहाँ पे मिली डेड बॉडी? जे तो बुधने पे। आज बुधना नदी में लाश मिली है, क्या है पूरा मामला? 27/7/2023 को हमारे पास एक गुम इंसान की रिपोर्ट आई थी, जिसमें गुम इंसान कायम किया था 22/23। उसी गुम इंसान में उनने 2 पे संदेह जताया था, वो आज हमें रेडी चौराहे पे मिले। इनसे पूछताछ की तो उनने हत्या करना स्वीकार किया और बताया हत्या करके हमने डेड बॉडी को बुधना नदी में डाल दी। बुधना नदी में तलाश की तो डेड बॉडी रिकवर हो गई थी। डेड बॉडी को फिर PM करा के और उनको आरोपी दोनों को गिरफ्तार कर लिया, बाकी आगे की जांच जारी है। इसमें किस लिए हत्या की गई है, कुछ आरोपी है बताया? वो इनका पुराना विवाद है, कुछ पैसे को लेन देन का है और पत्नी पे भी शायद संदेह है, तो बाकी वो जांच आगे जारी होगी, उसमें क्लियर होगा पैसों का या पुराना विवाद था इसके कारण ने हत्या की है। सर, ये जो आरोपी है ये कहाँ के? ये दोनों दो आरोपी हैं, एक जगत सिंह लोधी है, ग्राम भरतपुराई का है, और दूसरा भी वहीं का आरोपी हैगा, दूसरा है धारू रजक। और ये मृतक भी वहीं का? हाँ, मृतक भी उसी गांव का है।